हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप में हमारा टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर। जब भी इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर होती है तो वहाँ पर गार्नर वर्सेज मुरे रूल अप्लाई होता है। वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि गार्नर वर्सेस मुरे रूल क्या कहता है। गार्नर वर्सेस मुरे रूल ये कहता है कि जब कोई पार्टनर इनसॉल्वेंट होता है तो उसका जो डेबिट बैलेंस है वो खुद नहीं ला सकता, ही इज़ अनएबल टू पे एनीथिंग, देन जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो उसका शेयर पे करेंगे। अब किस रेशो में पे करेंगे? अगर तो उनकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में वो उसको बेयर करेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि कैपिटल फिक्स्ड लेनी है या फ्लक्चुएटिंग लेनी है। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन किया था, तो अब हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जिसमें फिक्स्ड कैपिटल भी और फ्लक्चुएटिंग भी है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ 31st क्वेश्चन और फॉलो कर रही हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक कल्याणी पब्लिकेशंस की जैन एंड नारंग की। इसमें जो क्वेश्चन है लीन स्टाउट, ठीक है, लीन स्टाउट एंड थिन दे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2:1 रेशो। ठीक है जी, ऑन 31st December 2018 देयर बैलेंस शीट इज गिवन। ठीक है, बैलेंस शीट ओके। थिन जो है उसका डेबिट बैलेंस है, तो देखिए क्या होता है। तो हमें स्टॉक्स एसेट्स रिलाइज दिए, स्टॉक, डेटर और फर्नीचर। प्लांट एंड मशीन इज टेकन ओवर बाई लीन। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी डिस्काउंटेड मटीरियलाइज्ड 600, इट मीन्स कि वी हैव टू पे ₹600। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस आर 600। थिन इंसॉल्वेंट है, देखो थिन का यहाँ भी डेबिट बैलेंस है, तो थिन क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। ही पेड 1900। वी आर टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स इफ द कैपिटल इज फिक्स्ड, इफ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो हमें दोनों केसेस में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इसमें आपको फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का डिफरेंस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट दोनों केसेस में सेम होगा, तो पहले मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रही हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए, बिल पेबल दिए। लीन का लोन अकाउंट है, ये सीधा कैश बुक में आएगा। रिजर्व फंड P&L, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होंगे और जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी और ये जो ड्राइंग्स दी है लीन और स्टाउट की, देन थिन का जो कैपिटल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो रियल कैश अकाउंट में जाएगा। तो रियलाइजेशन में स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीन, क्रेडिटर्स एंड बिल पेपर। ठीक है जी, टू स्टॉक 15,500। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस किए हुए हैं तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन करोगे, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 32,000। टू फर्नीचर 5,000। टू प्लांट एंड मशीन 21,000। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 30,000, बाय बिल पेबल 5,000। क्लियर है? तो हमने जो जो रियलाइजेशन की आइटम्स थी वो डाल दी। हाँ जी, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में बताया था, एसेट रियलाइज्ड, ठीक है, तो एसेट रियलाइज्ड आके बाय कैश। स्टॉक 12,200, डेटर्स 30,100, फर्नीचर 4,200, प्लांट एंड मशीन इज टेकन बाय लीन, बाय लीन्स कैपिटल, प्लांट एंड मशीन 18,000 की उसने टेक ओवर कर ली। लाइबिलिटी हम पे करेंगे ही करेंगे, क्रेडिटर्स
30,000, बिल पेबल 5,000, ठीक है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, वो जो बिल डिस्काउंटेड था वो हमने पे की है, कितने की? 600। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमें दिए हुए कितने? 600, ठीक है। थिन इंसॉल्वेंट है, उसने अमाउंट पे की, वो बात की बात है। हाँ जी, जब हमने बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग करने पे लॉस आई है कितनी? 10,200, ठीक है। 10,200 की जो लॉस है वो हम पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, लीन कैपिटल, ठीक है जी, लीन, स्टाउट, थिन, तीनों की कैपिटल में डिवाइड होगा। किस रेशो में? 3:2:1, 6 हो गया, 3/6, 2/6, 1/6, तो इसका आ गया 5100, 3400, 1700, क्लियर है। टोटल है 1,09,700, 1,09,700। हाँ जी, कैश एट बैंक हमें दिया हुआ है 9,500, ठीक है। तो ये आ गया उसका ओपनिंग बैलेंस। अब इसके बाद जो जो हमने रियलाइजेशन की डेबिट साइड डाला है बाय रियलाइजेशन, तो एक तो था 30,000, 30,000 हमने क्रेडिटर्स पे किए, एक था हमारे पास रियलाइजेशन बिल पेबल 5,000, ठीक है जी। देन आ गया बाय रियलाइजेशन 1,600, देन एक्सपेंसेस आके बाय रियलाइजेशन 600, ठीक है जी। तो क्रेडिट साइड हमने एसेट्स रियलाइज्ड लिखे, तो टू रियलाइजेशन, कौन कौन से एसेट्स हैं? एक तो स्टॉक आ गया 12,200, देन डेटर्स आके 30,100, देन फर्नीचर आ गया 4,200, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी कैपिटल अकाउंट में कैश की ट्रांजैक्शन होगी वो आएगी, ठीक है। तो इससे पहले हमें क्या करना होगा? कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। हाँ जी, कैपिटल अकाउंट में एक तो हम लेंगे उनका ओपनिंग बैलेंस, देन रिजर्व फंड किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:1, ठीक है। देन प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ठीक है, ड्रॉइंग्स डेबिट साइड, थिंस कैपिटल डेबिट साइड, ठीक है, क्लियर है। और इसके अलावा जो रियलाइजेशन में, जैसे किसी ने थिन ने, ठीक है, थिन कैश लेके आया है 1900, वो आएगा, और लीन जो है उसने प्लांट एंड मशीनरी टेक ओवर की है, वो एंट्री आएगी। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, हाँ जी, लीन का 20,000, स्टाउट का 15,000, ठीक है। थिन का जो है डेबिट बैलेंस आएगा कितना? 6,000। फिर इसके बाद बाय रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हमें दिए कितने? 12,000। इसको हम डिवाइड करेंगे 3:2:1, 6 हो गया, इसको 6 से डिवाइड किया 2,000, 2 3s 6, 2 2s 4, 2 1s 2, फिर आ गया बाय पी एंड एल कितना दिया? 6,000। इसको भी किस रेशो में डिवाइड करना है? 3:1, ठीक है। 6 से डिवाइड किया 1,000, 2 2,000, इंटू 3 3,000, क्लियर है। इसके बाद हमें दी हुई है ड्राइंग्स, पॉइंट क्लियर। तो ड्राइंग्स आ गई हमारी कितनी? 2 ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हमने डिवाइड नहीं करना, वो लीन की दी है 4,000, स्टाउट की दी है 1,000, ठीक है।
उसके बाद जो रियलाइजेशन में क्या हुआ कि लीन जो है वो प्लांट एंड मशीनरी लेके गया, ठीक है, टू रियलाइजेशन कितने की 18,000, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, अब हम डालेंगे जो रियलाइजेशन की लॉस है, तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लॉस जो थी वो कितनी थी, 5100, 3400, 1700, यहाँ तक ओके। अब हमने किया था कि जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, इनसॉल्वेंट कौन है, थिन, ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, बट उसने 1900 रुपीज लेके आया। पहले तो ये जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है ये दोनों क्या करेंगे, ये जितनी इनकी रियलाइजेशन की लॉस है वो कैश में लेके आएंगे, फर्स्ट पॉइंट, क्लियर है। और दूसरा पॉइंट ये था कि जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है, पहले तो वो इंसॉल्वेंट पार्टनर भी 1900 रुपीस लेके आया है, हम लोग उसकी एंट्री डाल दें, ये तो लॉस का शेयर लेके आए ना, और वो कैश लेके आया 1900, हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था। अब इसने हम जो है फर्म को कितने पैसे देने हैं, 3,4900, ठीक है, 2,800 बैलेंस आ गया, 2,800, ठीक है। अब जो थिन की डेफिशिएंसी है, थिन की डेफिशिएंसी है 2,800, कौन बेयर करेगा, लीन एंड स्टाउट, किस रेशो में बेयर करेंगे, कैपिटल रेशो में। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल का, पहला पार्ट हम फिक्स्ड कैपिटल का, और जो कैपिटल हमें दी है 20,000, 15,000, कितनी दी है 20,000 इसकी, 15,000 इसकी, ठीक है। रेशो बन गई, रेशो क्या बन गई, 5:4, 5:3, 4:3 रेशो, ठीक है। तो अब 4:3 में डिवाइड करेंगे किसको, 2,800 को, ठीक है। तो ये इसका आ गया 16,4, इसका आ गया 1,200, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल वैसे ही आ गया जैसे हमने पहले किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बाय थिन के लिखना है, बाय लीन्स अकाउंट, बाय स्टाउट्स कैपिटल अकाउंट, 1,600, 1,200, ठीक है जी। और यहाँ पे क्या आएगा, टू थिन्स कैपिटल अकाउंट, 1,600, 1,200, पॉइंट क्लियर। जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया था, यहाँ पे इन दोनों को डेबिट कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब हम बैलेंसिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग देखो कितनी आ रही है। हाँ जी, जब हमने बैलेंस निकाला तो इसका टू बैंक 5,400 आ गया, इसका 18,800 आ गया, इसका टोटल आ गया 34,100, ठीक है जी। 24,400, ठीक है जी। और इसका आ गया 7,700, क्लियर है। अब हम जो कैश की बैलेंस, एक तो ये ट्रांजेक्शन और ये तीन ट्रांजेक्शंस हम लोग क्या करेंगे, कैश अकाउंट में डाल देंगे। हाँ जी, एक तो हमें लोन दिया हुआ है, लीन्स लोन, ठीक है, वो हमने पे कर दिया। लाइबिलिटी साइड आपको दिया 6,000, फिर हमने क्या किया, लीन की कैपिटल का अभी हमने बैलेंस किया था 5,400, ठीक है, और स्टाउट को हमने पे किए कितने, 18,800, और लीन और स्टाउट रियलाइजेशन की लॉस लेके आए, ठीक है, कितनी 5,100, और स्टाउट लेके आया 3,400, और जो थिन था याद है आपको, उसने कहा था कि मैं 1,900 पे कर सकता हूँ,
तो हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट्स में से जो जो कैश की ट्रांजैक्शंस थी यहाँ रिकॉर्ड कर दी। और ये जो कैश का बैलेंस है आप देखोगे बोथ साइड्स आर इक्वल, तो इट मींस क्वेश्चन ठीक है। अब हमने करना है इफ़ द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग, तो उसमें रियलाइजेशन तो सेम रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल्स में डिफरेंस आएगा। हाँ जी, हमने क्या किया कि जो कैश अकाउंट था जो बिल्कुल मतलब कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में कोई फ़र्क नहीं है, वो सारी आइटम्स मैंने डाल दी, जैसे रियलाइजेशन की जो भी मतलब डेबिट साइड के आइटम्स थी वो मैंने कैश की क्रेडिट साइड डाल दी, लीन का लोन अकाउंट था, ओपनिंग बैलेंस था, और ये रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दिए। ठीक है, इसके अलावा जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस सेम रहेगा, रिजर्व फंड की डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एंड देन वो जो उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ड्राइंग्स आ गई, रियलाइजेशन वो जो लीन ने ऐसा टेक ओवर किया था, देन रियलाइजेशन की लॉस हमने डेबिट साइड डाल दी, और उसके बाद जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है वो रियलाइजेशन की जो लॉस है वो कैश में लेके आए, और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसने कहा था कि मैं 1900 जो है वो दे दूंगा। नाउ द पॉइंट इज कि वो उसी तरह से 7700 अगर हम इसको कंपेयर करें तो 4900 प्लस 17 2800, तो अभी भी जो थिन की लॉस है, जो थिन मतलब की डेफिशिएंसी है थिन की, वो है 2800, वो तो सेम ही रहेगी ना। अब जो इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है वो उसमें फ़र्क आएगा। अब हमने करना कैसे है फ्लक्चुएटिंग के केस में, जब हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल लेनी है तो मैं यहाँ पे लीन की और यहाँ स्टाउट्स की कैपिटल ले रही हूँ, तो ओपनिंग बैलेंस लेना है दैट इज़ 20,000, ठीक है ना, ओपनिंग बैलेंस 20,000, 15,000 प्लस इसमें करना है रिजर्व फंड 6,000, 4,000 प्लस इसमें करना है प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर दैट इज 3,000 एंड 2,000, ठीक है जी। फिर हमने इसमें से माइनस क्या करना है ड्राइंग्स, यानी कि जो चीज़ें हमने बैलेंस शीट से लेके, ठीक है ना, बैलेंस शीट से लेके यहाँ पे ट्रांसफ़र की हैं, और ये आ गया 4,000 और ये आ गया 1,000, ठीक है। जो चीज़ें हमने बैलेंस शीट्स में, देखो रिजर्व फंड थे, P&L था, ड्राइंग्स थी, ठीक है, इनको हमने कैपिटल में एडजस्ट करना है, पता ना, इन चीज़ों को जब हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करते हैं तो दे आर द पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स, तो इनको हमने प्लस और माइनस करना है, ठीक है। अब जब हमने इनको प्लस और माइनस किया तो इसकी कैपिटल आ गई, लीन की जो कैपिटल है वो आएगी 26,000, 29,000 माइनस 4,000 इट इज़ 25,000, और जो स्टाउट है 1921 माइनस 1,000 इट इज़ 20,000, तो इन दोनों की रेशो आ गई 5 5s 25 5 4s 20 5 is to 4 की रेशो आ गई। कहने का मतलब अब हम जो डिवाइड करेंगे 2800 को 5 4 की रेशो में करेंगे। जब हमने फिक्स्ड कैपिटल ली थी तो हमने ओपनिंग बैलेंस में डिवाइड किया था 5 is to 3 में, सॉरी 5 4s 5 3s 4 is to 3 में डिवाइड किया था, अब किस रेशो में करेंगे 5 is to 4 रेशो में। पॉइंट क्लियर है, तो कैसे आएगा देखो, तो ये हमें दिया हुआ है 2800, ठीक है, इसको हमने 5/9 देना है लीन का शेयर, और स्टाउट का आ जाएगा 2800 इंटू 4/9, क्लियर है। तो हाँ जी, ये आ गया 1555 1245, है तो 2800 ही है बट उसकी डिवीज़न अलग होगी, यही फ़र्क है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, पॉइंट समझ के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय क्या लीन्स कैपिटल, ठीक है, बाय स्टाउट्स कैपिटल, लीन का आ गया 1555 और स्टाउट्स का 1245, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टू थिंस कैपिटल,
ठीक है, वहाँ पे हमने क्रेडिट किया तो इन दोनों का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। ठीक है, इसका अकाउंट तो क्लोज हो गया, ठीक है ना, जितना बैलेंस था वो हमने डिवाइड कर दिया। अब जो रह गया लीन और स्टाउट का, उसकी बैलेंसिंग हम कर लेंगे टू कैश करके। ठीक है जी, टू कैश करके बैलेंसिंग। हाँ जी, अभी जो हमने कैश निकाला वो यहाँ पे आएगा, बाय लीन्स कैपिटल 5445 बाय स्टाउट्स कैपिटल 1875। ठीक है जी, टू लीन्स कैपिटल वो जो कैश लेके आए 5100, टू स्टाउट्स कैपिटल 3400, टू थिन्स कैपिटल, थिन जो है वो कैश लेके आया 1900। पॉइंट क्लियर? अब दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, अगर इक्वल है इट मीन्स कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है। हाँ जी, बैलेंस इक्वल है तो इट मीन्स कि क्वेश्चन सही है। ठीक है, डिफरेंस पता चल गया फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का। तो फ्लक्चुएटिंग में हमने जब कैपिटल लेनी है तो कैपिटल में जो कैपिटल आइटम्स है, रिजर्व फंड हो के, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स, उनको एडजस्ट करके जो कैपिटल रेशो आएगी उसमें हमने लॉस को डिवाइड करना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इससे पहले जो टॉपिक था दैट वाज इंसॉल्वेंसी ऑफ वन पार्टनर। अगर कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसकी जो डेफिशिएंसी है वो सॉल्वेंट पार्टनर्स बेयर करते हैं, पर अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें पता नहीं कि जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ हैं वो हम पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज होंगे वो लिमिटेड होंगे। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं 38th क्वेश्चन, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। हमें दिए बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है जी, एक्स वाई जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट 3/5, 1/5 एंड 1/5। ठीक है, ये उनका ओवरड्राफ्ट और क्रेडिटर, ये दोनों आउटसाइड लाइबिलिटीज है, इसको हम रियलाइजेशन में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमें पता नहीं कि इनको पे करने के लिए हमारे पास कैश है भी या नहीं है। एक्स कैपिटल जेड कैपिटल दिए, वाई का पहले डेबिट बैलेंस है और कैश दिए, देन एसेट्स दिए। ठीक है, एसेट्स रियलाइज्ड 39,875, रियलाइजेशन का एक्सपेंस दिया 1000, और ये मान के चलते हैं कि सारे ही पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हैं। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारा एसेट्स लेंगे, यहाँ पे आएगा बिल रिसीवेबल 2000, देन आ गया डेटर्स 12,000, देन स्टॉक 19,000, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 16,000, देन गुडविल है 5,000। ठीक है जी, और इस साइड आएगा लाइबिलिटीज तो हमने लेनी नहीं है, तो फिर जो एसेट्स रियलाइज्ड हुए, एसेट्स कितने के रियलाइज्ड हुए, 39,875, और इस साइड आ जाएगा टू कैश, जो हमने एक्सपेंस लिया, एक्सपेंस कितना दिया 1000। बोलो क्लियर है? देन हम लोग यहाँ पे लेंगे लॉस। लॉस जब हमें मतलब डिफरेंस निकाला तो वहाँ पे आ गई लॉस, लॉस है 15,125। ठीक है, तो इसको हम एक्स वाई जेड में डिवाइड करेंगे, कैसे, 3/5, 1/5 एंड 1/5। तो ये आके 3025, 9075। पॉइंट क्लियर? अब हम इसी से कैश अकाउंट बनाएंगे, तो कैश अकाउंट आ गया हमारा टू बैलेंस प्रो डाउन। ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 500, टू रियलाइजेशन जितने के हमने एसेट्स रियलाइज किए, कितने के रियलाइज किए 39,875, बाय रियलाइजेशन
इसमें आ जाएगा एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन दैट इज 1000। फिर जो पैसे बच गए वो हम जो आउटसाइड लाइबिलिटीज मीन्स बैंक ओवर ड्राफ्ट और क्रेडिटर है उनको पे करेंगे। ठीक है, तो ये जो बैलेंस आया 39,375। ठीक है, अब हम आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी थी कितनी बाय बैलेंस प्रोडाउन, क्योंकि जो लाइबिलिटी होती है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी थी बैंक ओवरड्राफ्ट 28,000 प्लस 24,500 52,500। हमने उनमें से पे किया है, कितना पे किया है 39,375। अब हमारे पास उनको पे करने के लिए और कैश नहीं है, नहीं है तो किस में डाल देंगे, डेफिशिएंसी में। डेफिशिएंसी आ गई 13125। क्लियर, क्योंकि हम लोग लाइबिलिटी पूरी पे नहीं कर सकते तो हमने उसको किस में डाल दिया, डेफिशिएंसी में। तो डेफिशिएंसी में क्या आ जाएगा, बाय आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी 13125। अभी कैश अकाउंट रहता है तो हम कैपिटल अकाउंट्स रहता है तो हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। हाँ जी, कैपिटल का हमें ओपनिंग बैलेंस दिया है बाय बैलेंस प्रोडाउन। हमारे पास एक्स का क्रेडिट बैलेंस है, जेड का क्रेडिट बैलेंस है, हाँ जी इसका डेबिट बैलेंस है 10,500। अब हम लेंगे कैपिटल अकाउंट्स में कि हमें और क्या दिया है, लॉस, रियलाइजेशन की लॉस दैट इज 9075 3025 3025। क्लियर है। अब पार्टनर सारे इंसॉल्वेंट है, वो ना तो कैश ला सकते हैं ना ही फर्म उनको कैश दे सकती है, क्योंकि फर्म के पास जितना कैश पड़ा था वो तो हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज में पे कर दिया। ठीक है, तो अब देखो इसका जो है क्रेडिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है 9075, क्रेडिट आ रहा है दिस, तो इसने कैश लेके आना था बट नहीं ला सकता, तो उसको हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी में डाल देंगे। Y का भी डेबिट बैलेंस है, ही इज आल्सो अनेबल टू ब्रिंग एनीथिंग, तो ये भी किस में आ जाएगा, डेफिशिएंसी में। अब इसका क्रेडिट बैलेंस बनता है, अब इसको हम दे नहीं सकते तो यहाँ पे क्या आएगा, टू डेफिशिएंसी। तो इसमें क्योंकि कैश बैलेंस हमारा नील आ रहा है तो ये आ गया 1975। पॉइंट समझ के, क्योंकि सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, ना तो कोई कैश लेके आएगा ना कोई कैश पे करेगा। अब डेफिशिएंसी में हम डाल देंगे एक्सिस कैपिटल 1575, वाइस कैपिटल 13,525 बाय जेड कैपिटल 1975। आप देखोगे कि डेफिशिएंसी का बैलेंस इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से अगर सारे पार्टनर्स इनसॉल्वेंट है तो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, इजी है, बट इसमें एक डेफिशिएंसी अकाउंट और आउटसाइड लायबिलिटी अकाउंट ज़्यादा बनेगा, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आएगा। ठीक है जी, तो इसके बाद हम लोग करेंगे पीस व्हील डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा अगला टॉपिक है। उसके आगे दो पार्ट्स हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, तो वो जो मेथड है नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर जितना कर सकते हैं कर। थैंक यू।